उधर इस मामले विच एक होर वीडियो सामने आया है, जिस विच एक नौजवान ने टोपी पाई हुई है। वीडियो अदालत विच पेश की गई, जिस तो बाद अदालत ने इन्हां सिख नौजवानों की जमानत कैंसल हो गई है। ज्यादा जानकारी गल करते हैं साडे पत्रकार मनोज राठी दे नाल। जी मनोज, दस दिए कि इस जी वो सामने आई है, जिस दे विच एक नौजवान ने टोपी पाई हुई है। इस वीडियो अदालत दे विच पेश की गई है, जिस तो बाद अदालत ने इन्हां सिख नौजवानों की जमानत कैंसल कर दिती है। मामला चंडीगढ़ का, जिथे एक पुलिस वाले ते कुछ सिख नौजवानों के विच झड़प का मामला सामने आया, जिथे सिख नौजवानों वालों दोष लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पगड़ी उतार के उन्होंने बेइज्जत किया गया, उन्होंने गालां कढ़ियां गईयां ने। उत्थे ही पुलिस के वलों दोष लगाए जाते हैं कि उन्होंने कुटमार की गई है, वर्दी के विच उन्होंने कुटिया गया है, सरकारी वाहन भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। उधर इस मामले के विच एक वीडियो भी सामने आया है, जिस दे विच एक नौजवान नूं टोपी पाए दिखाया गया है, ते ए वीडियो अदालत विच पेश करन तो बाद अदालत ने इन्हां सिख नौजवानां दी जमानत कैंसल कर दित्ती है। इस मामले ते ज़्यादा जानकारी दी गल करदे आं साडे पत्रकार मनोज राठी दे नाल। जी मनोज, की जानकारी इस पूरे मामले ते दस्सिया जा रहा है कि अदालत दे विच एक वीडियो जिहड़ी आ उह दित्ती गई है। बिल्कुल कोमसाई, जो वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो जो है यहाँ पर बनाई गई थी किसी द्वारा। ये जो वीडियो है इसी के जरिए जो है यहाँ पर कोर्ट में जो है आज पेशी हुई थी, जिसमें ऋषि क्यूको ने जो आरोप लगाया था कि उनकी पगड़ी जो है वो उतारी गई, उनको मारा गया। लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उन्होंने पगड़ी पहनी ही नहीं थी, उन्होंने कैप लगा रखी थी। इसके बाद उन्होंने जो है हाथापाई करी पुलिस कांस्टेबल की और उनको जो है मारा, बुरी तरह जो है कांस्टेबल को मारा। हालांकि आज यहाँ पर कल रात को ही जो है पक्के हो गए थे उनके ऊपर, जो फैमिली है आज कोर्ट में पेशी हुई थी। दिखाई दे रहा है कि जो है झूठ बोला कि पगड़ी उनकी उतारी गई और उनका जो है अपमान किया गया उनकी पगड़ी का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ जज ने यहाँ साफ तौर पर बेल कैंसिल करते हुए उनको जुडिशियल भेज दिया गया। उसके बाद जो है जी दस दिए कि चंडीगढ़ दे विच मामला सामने आया है सिख नौजवानों ते पुलिस दे विचकाले झड़प दा, जिस दे विच सिख नौजवानों वालों जिथे दोष लगाए जा रहे हैं कि पुलिस वालों उन्होंने पगड़ी उतार के उन्होंने बेइज्जत किया गया, उन्होंने गालां तक भी कढ़िया गई ने। उत्थे ही पुलिस का इस मामले में यह पक्ष सामने आ रहा है कि उन्होंने नौजवानों ने उस वेले पगड़ी ही नहीं पहनी हुई सी, उन्होंने टोपी पहनी हुई सी। उन्होंने का कहना है कि नौजवानों वालों पुलिस कर्मचारियों के नाल कुटमार की गई है। चंडीगढ़ के विच कुछ सिख नौजवानों ते पुलिस के विचाले झड़प होने का एक होर मामला सामने आया है, जिसमें कि तुसी वीडियो विच भी देखिया कि कुछ सिख नौजवानों वालों पुलिस कर्मचारियों के नाल कुटमार की जा रही है। उत्थे ही ना नौजवानों का दोष सी कि उन्होंने नाल उन्होंने पगड़ी उतार के पुलिस वालों उन्होंने बेइज्जत किया गया, उन्होंने नाल कुटमार भी की गई है। उधर इन्होंने नौजवानों वालों भी पुलिस कर्मचारियों के नाल कुटमार की गई है, वर्दी दे विच पुलिस कर्मचारियों की कुटमार की गई है, ते सरकारी वाहन नू भी नुकसान पहुँचाउण दे दोष लगे ने इन्हां नौजवानों ते। अदालत दे विच एक वीडियो पेश की गई है, जिस दे विच इन्हां सिख नौजवानों ते टोपी पहनी हुई दिखाई गई है, ते अदालत विच ए वीडियो पेश किए जाण तो बाद अदालत ने इन्हां नौजवानों की जमानत कैंसल कर दिती है। इस बारे ज़्यादा जानकारी गल करते हैं साडे पत्रकार मनोज राठी दे नाल। जी मनोज, की जानकारी है ते हुण की कार्रवाई इन्हां नौजवानों ते की जाएगी, अदालत वालों की फैसला सुनाया गया है? बिल्कुल कोमिता, जिस तरह से कल जो है काफी बवाल मचा था, कई जो है सिख संगठन यहाँ पर मौजूद हुए थे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की थी चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ, क्योंकि मामला जो है काफी संगीन था। क्योंकि एक सिख की जो है पगड़ी एक इज्जत होती है, उसको उतारने का मामला जो है सामने आया था। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर उत्पात मचा था उसके बाद काफी रोष प्रदर्शन भी किया गया था सिख संगठनों की तरफ से, लेकिन बाद में जो ये वीडियो आई है, सिर्फ अधिकारियों के पास वीडियो आई है, अब उसके बाद ये डे नाइट न्यूज टीम के पास जो ये वीडियो है, इसमें साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि इस वीडियो में जो है जिस बंदे ने जो जो युवक है उसने
साफ तौर पे जो आरोप लगाया है कि उसकी पगड़ी जो है उतार कर उसकी अपमान किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है पगड़ी यहाँ पर उसने नहीं पहनी हुई है, उसने कैप जो है लगा रखी है और उसके बाद उसने जो है कांस्टेबल सुरेंद्र राठी को जो है उसने जो है उसके बाद पहले हाथापाई करी और उसके बाद पूरी तरह जो है उसको मारा, उसके बाद जो है उसके कपड़े फाड़ कर उसको नुकीली चीजों से जो है उसके ऊपर वार किया। तो इसी सभी को देखते हुए जो है कल देर रात जो है पर्चा हो गया था, लेकिन आज सुबह जब कोर्ट में यहाँ पर उनको बुलाया गया पेशी के दौरान तो जज ने यहाँ पर वीडियो देखी और वीडियो के बाद साफ तौर पे यहाँ पर जमानत जो है उनकी युवकों की कैंसिल कर दी गई है, उनको जुडिशियल भेज दिया गया है। उसके बाद जो आला अधिकारियों के पास उनको बुलाया गया, आईजी ने यहाँ पर उनकी वीडियो देखी और वीडियो के बाद यहाँ पर फैसला लिया कि जो घाव इसको लगे हैं काफी जो है गलती जो है उससे की नौजवानों की थी और भी धाराएं जो है वो जोड़ने के आदेश जो है आईजी ने दिए। जी बिल्कुल मनोज, इस पुलिस कर्मचारियों का की पाक सामने आया? पुलिस कर्मचारियों का साफ तौर पर हमारी बात हुई है, जो सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक इंस्पेक्टर है अश्विनी टेबल सुरेंद्र राठी के दिन के साथ ये घटना हुई है, उनका साफ तौर पे यहाँ पे कहना था कि जिस तरह से उन्होंने गाड़ी को रोका जिसमें ब्लैक फिल्मिंग लगी हुई थी बैक साइड पे और उन्होंने बड़े प्यार से जो है उनको बोला कि इस पर चलान है, लेकिन वो काफी जो है गुस्से में थे और उन्होंने हालांकि उन्होंने चलान कर दिया उस पर और चलान करते के बाद जो है वो सरदार जो सिख फैमिली थे उन्होंने जो है सरदार फैमिली जो थे उन्होंने काफी यहाँ पर उत्पात मचाया, गाली गलौज जो है कॉन्स्टेबल को दी, उनके बाद उनमें बहस हुई, बहस के बाद जो है कांस्टेबल को जो है उन्होंने बुरी तरह जो है उन्होंने पीटा, उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर सबको बुलाकर जो सिख संगठन को यहाँ पर बुलाकर जो है उनको खूब जो है कांस्टेबल को जो है खूब जमकर पीटा और उसके बाद यहाँ पर रोड पर जो है वो उत्पात मचाया। उसके बाद यहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने देर शाम तक जो वीडियो वगैरह खंगाल कर वीडियो जब मिली है वीडियो को देखते हुए जो है उन पर सिख नौजवानों पर जो है वो पर्चा किया था। जी मनोज, किन्ने नौजवान ने जेडे पुलिस ने हिरासत विच लेने? बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि सिख फैमिली थी जिसमें दो जो दो भाई थे और उनके एक पिता थे और उनकी माता थी, तो दो भाइयों के ऊपर जो है वो एक जो है एक भाई के ऊपर जो है तेगवीर उसके ऊपर जो है देर रात पर्चा हो गया था, जिस जो ये वीडियो में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर पर्चा हो गया था, दूसरे भाई के ऊपर भी वीडियो जो पर्चा करने के जो है आदेश जो है वो जल्द ही जो है जारी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ तौर पे जो है उन्होंने जिस तरह से पिटाई करी है काफी बुरी तरह जो है कांस्टेबल को जो है वो मारा था, हालांकि इसमें जो है यहाँ पर इन्होंने जो है कानून को अपने हाथ में लिया और जिस तरह से जो उन्होंने एलिगेशन लगाए और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया, उन्होंने पुलिस की जिप्सी को तोड़ा और नुकीली चीजों से जो वार किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस की जो है ये आजकल जो है नुकसान हो रहा है, पुलिस की पिटाई देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। जी मनोज, जानकारी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। दस दिए कि चंडीगढ़ के कुछ सिख नौजवानों वालों सिख नौजवानों से पुलिस झड़प का मामला सामने आया, जिथे पहला नौजवानों वालों दोष लगाए जा रहे सन कि उन्होंने पगड़ी उतार के उन्होंने बेइज्जत किया गया, उत्थे ही अदालत के अज वीडियो पेश किया गया जिस इन नौजवानों के टोपी पहनी हुई दिखाई गई है, इस तुं बाद इन नौजवानों की नौजवानों से अदालत वालों कार्रवाई किए जाने के आदेश सुना दिए गए हैं। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो, आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।